आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर व बिन बिन अल आस रिवायत है, कद आफलाह मन अस्लमा व रोज़िका कफाफन व कुन्ना अल्लाह बिमा अताहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फलाह पा गया, फरमाया फलाह पा गया जो इस्लाम लाया और जिसे बकदर ज़रूरत रिज़्क दिया गया और जो इसे अल्लाह ताला ने दिया इस पर इसने कनात की। मुस्लिम की हदीस मुबारक है, किताबुल ज़कात की। अब इसमें जो बात गौर तलब है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है और कहा कि फलाह पा गया यानी कामयाब हो गया वो इंसान जो नंबर एक तो इस्लाम ले आया और दूसरा बकदर ज़रूरत उसको रिस्क दिया गया, यानी इतना रिस्क जो उसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो वो उसको रिस्क दिया गया हो, और जो उसे अल्लाह ताला ने दिया इस पर इसने कनात की, यानी फिर अल्लाह ताला ने जो कुछ भी उसको दिया इस पर वो अल्लाह का शुक्रगुजार रहा और अल्लाह से राज़ी रहा, तो अल्लाह ताला ने उसको एक किस्म की दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाई है। तो ऐसे शख्स को कामयाब कहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो गौर तलब बात यह है, हमने देखना है क्या हमें ये तमाम सिफात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो जो बकदर रिस्क जो अल्लाह ने दिया है क्या हम उस पर राज़ी हैं, खुश हैं, और क्या उसको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हम खर्च कर रहे हैं, तो इसको हमने देखना है। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।